दोस्त आज हम बताएंगे छत में वायरिंग कैसे किया जाता है। जो छत में ढलाइयाँ होता है तब पाइप कैसे डालते हैं। देखिए यहाँ पे 3 रूम इधर हो गया, 3 रूम ये हैं, ये हॉल हो गया, ये सीढ़ी का हो गया, और ये किचन हो गया, किचन नहीं बाथरूम है, अटैच बाथरूम है, ये भी अटैच बाथरूम है, ये सीढ़ी का पॉइंट हो गया, ये 3 रूम इधर हो गया, 3 रूम इधर हो गया। रूम हर रूम में 4 पॉइंट दिए हैं, लाइट का, एक फैन बॉक्स का पॉइंट दिए हैं, ये भी 4 लाइट का पॉइंट दिए, एक फैन बॉक्स का पॉइंट दिए हैं। इसका देखिए कनेक्शन यहाँ से यहाँ लाए हैं, इसमें मिला दिए हैं, सब फैन बॉक्स से मिला हुआ रहता है, ये फैन बॉक्स से ये फैन बॉक्स मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए, इसका अलग अलग भी सर्किट डाल दिए हैं देखिए, ताकि तार डालने में आसान पड़े। इसका सर्किट यहाँ से ले लिए हैं, ये हॉल का सर्किट हो गया, और ये रूम का हो गया। इसका अलग MCB लगाएंगे और इसका अलग MCB लगाएंगे। इसका एक ये निकाल देंगे बाहर के लिए, जो लाइन जाएगा इसमें हॉल पर से जाएगा, ये और ये पाइप इधर गिरा देंगे। इस पाइप में छत में वायरिंग की है जो अलग अलग सर्किट से, जैसे 1 2 3 तीन रूम में तीनों का अलग सर्किट लिए हैं, 1 2 3 ठीक है, और ये 1 2 3 तीन सर्किट यहाँ पे लाए, 3 सर्किट यहाँ पे लाया। हमको अगर मन रहेगा तो 1 मीटर से हम दोनों दिन जला सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो जल जाएगा ठीक।